हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एपिग्रल लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करें। इसका पहले नाम था मेघमानी ऑर्गेनिक्स, अभी इसका नाम बदल के एपिग्रल मेघमानी फाइन केम इसका नाम था और अभी इसका नाम बदल के एपिग्रल लिमिटेड कर दिया गया। नंबर करोड़ में पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे। इनकम 653.6 करोड़ का, मार्च 24 में 526 करोड़ का और जून 23 में 456 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 522.5 करोड़ का, मार्च 24 में 413.3 करोड़ का, जून 23 में 408.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130.9 करोड़ का, मार्च 24 में 113.4 करोड़ का और जून 23 में 47.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 85.8 करोड़ का, मार्च 24 में 77 करोड़ का, जून 23 में 31.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 20.67 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंसोलिडेटेड कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है। स्टैंडअलोन में इनकम है 653.6 करोड़ का, मार्च 24 में 526 करोड़ का, जून 23 में 456.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 522.5 करोड़ का, मार्च 24 में 413.3 करोड़ का, जून 23 में 408.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 131 करोड़ का, मार्च 24 में 112.8 करोड़ का और जून 23 में 47.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 86 करोड़ का, मार्च 24 में 76.6 करोड़ का, जून 23 में 31.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 20.7 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड, कंपनी का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया, क्योंकि इनकम ही नहीं बल्कि एक्सपेंस प्रॉफिट में भी कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरेट हुआ है। यहाँ पे पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस में गाइस इंक्लूड है पावर प्रोक्योरमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू ऑन पावर जनरेशन एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो गाइस, ओवरऑल कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया। इसका नाम जो बदला गया 4 अगस्त 2023 में इसका नाम जो है चेंज किया गया था, 115 में इसका रिजल्ट आया है। शेयर की बात कर 1680 रुपीज़ पर शेयर क्लोज किया और आज के दिन का 14% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सो गैप अप देखने को मिला है। और 5 डे में कंपनी का शेयर 16% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 25% का प्रॉफिट है, 6 मंथ्स में 75% का। आज के दिन का कंपनी का शेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप किया, तो इसलिए भी इसमें एंट्री करना बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप इसके शेयर दे रखेगा तो आप इसमें होल्ड कंटिन्यू कर सकते, लेकिन एंट्री अभी मत कीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो हम लोग जो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।